में उत्तराखंड में समय समय पर यहाँ विराजित देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन्हीं देवी देवताओं में माँ नंदा भगवती की पूजा समस्त उत्तराखंड में की जाती है। उत्तराखंड में हर नवरात्रियों में माँ नंदा भगवती की पूजा का आयोजन होता है। इसी प्रकार माँ नंदा सुनंदा भगवती की पूजा उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव कोथिंग में की जाती है। कोथिंग गांव में माँ भगवती का भव्य मंदिर है। यहाँ पर वर्ष भाद्र मास के नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक माँ भगवती की पूजा का आयोजन होता है। माँ की यह पूजा काफी पहले से होती चली आ रही है। इस पूजा समारोह ने एक बड़े मेले का रूप धारण कर लिया है, जिसे लोग कोथिंग का मेला के नाम से जानते हैं। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं और इस मेले में शामिल होते हैं। कोथिंग गांव उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोथिंग गांव तक सड़क मार्ग है। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद माँ के मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। कोथिंग गांव में माँ भगवती की मंदिर की स्थापना भीम बलाव सिंह गड़िया द्वारा किया गया, जो गड़िया लोगों के पूर्वज थे। आज भी उनके द्वारा स्थापित पिठार अर्थात पत्थरों का बना वह स्थान जिसमें माँ भगवती विराजमान होती है मौजूद है। भीम बलाव गड़िया जी ने यहाँ मंदिर की स्थापना क्यों की, इस संबंध में गांव के बुजुर्गों के अनुसार किसी कारणवश बलाव सिंह गड़िया जी अल्मोड़ा जेल में बंद थे। यहाँ माँ भगवती की पूजा का समय आ रहा था। माँ भगवती बलाव जी को जेल के अंदर रात को सपने में आई। माँ ने अपनी पूजा के बारे में कहा कि कोथिंग गांव में मेरी पूजा होनी है। माँ ने उन्हें सपने में ही वह स्थान बताया जहाँ पर उनका मंदिर बनाना है। अगले ही दिन बलाव गड़िया जी के हाथों से बेड़ियां खुल गई और अल्मोड़ा जेल से भी रिहा हो गई। कहते हैं कि घर आकर वे माँ भगवती का आदेश का पालन करते हुए उनके पूजा की तैयारी में जुट गई। जिस स्थान में माँ ने उन्हें मंदिर बनाने को कहा था, उसी स्थान में उन्हें मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी उसी स्थान में विद्यमान है। स्थानीय क्षेत्रवासी इसे बारा के नाम से जानते हैं। उन्होंने भाद्र मास के अष्टमी को माँ भगवती की पूजा की, जो आज भी चली आ रही है। माँ भगवती की पूजा की तैयारियां श्रावण मास के एक गते से, जिस दिन समस्त उत्तराखंड हरेले का त्योहार मनाता है, से प्रारंभ हो जाती है। इस दिन कोथिंगवासी कपकोट क्षेत्र के उत्तरोड़ गांव से कदली वृक्ष अर्थात दूध केला पारंपरिक रीति रिवाज के साथ लाते हैं। इस कदली वृक्ष को गांव में ही कहीं पर लगा दिया जाता है। कदली वृक्ष को एक माह तक गाय के दूध से सींचा जाता है, जिसे माँ की पूजा के सप्तमी के दिन माँ भगवती के साथ ही लाठी देवता के द्वारा काट कर माँ नंदा सुनंदा भगवती के मूर्ति निर्माण में प्रयोग किया जाता है। भाद्र मास के नवरात्रि के प्रथम दिन माँ की पूजा का शुभारंभ हो जाता है। इस दिन देवताओं के राजा कुल देवता के द्वारा गाँव वासियों द्वारा लाया गया अनाज भरा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में सिंह ढावण बोलते हैं। इसमें कुल देवता सिंह अर्थात कुमाऊं में अनाज मापने का बर्तन जो की लकड़ी का बना होता है द्वारा अनाज भरता है और यहीं से माँ भगवती की पूजा का शुभारंभ हो जाता है। इन नवरात्रियों में रात भर माँ का जागरण होता है। विभिन्न प्रहरों में माँ भगवती की आरती की जाती है। आरती के दौरान माँ अपने डगरियों के माध्यम से अपना दर्शन देती है। गांव में विराजित समस्त देवी देवता इस पूजा में आमंत्रित रहते हैं। माँ के नवरात्रियों में माँ भगवती के जागर भी गाए जाते हैं। इस जागर को गाने के लिए गढ़वाल के चमोली जिले से जगरिया आमंत्रित किया जाता है। अंतिम दिन अष्टमी के दिन पूजा अर्चना के साथ
माँ भगवती की पूजा का समापन रहता है। इस दिन माँ भगवती की पूजा करने के लिए समस्त लोगों का सैलाब पोथिगल गांव में उमड़ पड़ता है, जो एक बड़े मेले का धारण करता है। माँ भगवती की पूजा का प्रसाद ही यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यह प्रसाद है 325 ग्राम की पूरी। इस पूरी को पूरियों का राजा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नंदा अष्टमी के दिन लगभग इसी वजन की हजारों पूरियां बनाई जाती है। एक पूरी 2 इंच मोटी होती है और उसकी गोलाई 1 प्लेट के बराबर होती है। यही पूरी माँ भगवती की पूजा के समापन के बाद श्रद्धालुओं में वितरित की जाती है। यही यहाँ के मंदिर का प्रसाद होता है। इस पूरी की जो मिठास होती है, शायद ऐसी मिठास कहीं ना मिले। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे यह पूरी बासी होती जाती है, वैसे वैसे इसका स्वाद बढ़ते जाता है। 7 समंदर पार भी यह पूरी जा चुकी है, वहां भी इसका स्वाद चुका रहा। इस पूरी की मुख्य विशेषता यह है कि यह कभी भी खराब नहीं होती। इस पूरी का स्वाद और इस पूरी का एक लंबे समय तक सुरक्षित रहना आज भी एक रहस्य से कम नहीं है। श्रोताओं, आज आपने जनपद बागेश्वर के पोथिंग गांव में स्थित माँ भगवती मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियां सुनी। अगली बार किसी ऐसी ही जानकारी के साथ हम आपके सम्मुख फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।